स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह द रहमान द रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैजान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो का टाइटल आप सब लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पे भी। टुडे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट हाउ पाकिस्तान आर्मी सिलेक्ट एएफएनएस ऑफिसर्स, इज इट मेरिट बेस्ड आर टोटली डिपेंड ऑन सिफारिश। ये क्वेश्चन बेसिकली मेरी एक स्टूडेंट जो मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस ले रही है उसने मेरे से किया, एंड आई रियलाइज्ड के बहुत सारी और भी कैंडिडेट्स होंगी जिनको इस क्वेश्चन के बारे में खदशात होंगे या उनके दिमाग में कोई ना कोई परसेप्शन होगी अबाउट सिफारिश, अबाउट मेरिट। तो मैं उनको हल कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ओके, एएफएनएस बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज है जो कि पाकिस्तान आर्मी की एक ब्रांच है। इसमें लड़कियां एफएससी बेस प्री मेडिकल बेस पे भर्ती होती हैं आर्मी में, और बहुत सारी कैंडिडेट्स अपने माइंड में ये परसेप्शन बना लेती हैं अगर वो सिलेक्ट नहीं होती। क्या परसेप्शन बना लेती हैं? कि ये सिफारिश बेस होती हैं जॉब्स। पहले हम इसका कमेंट पढ़ते हैं लड़की का। एओए सर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। 850 मार्क्स इन एफएससी टेस्ट मैंने बहुत अच्छा दिया, 90% दिया। कॉल लेटर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कहते हैं ये सिफारिश चलती है। इस दफ़ा यही बातें सुन के अप्लाई करने को दिल नहीं कर रहा। पहले दो दफ़ा अप्लाई कर चुकी हूँ, टेस्ट पास हो जाता है, कॉल नहीं आता। आप लोगों के माइंड में भी यही क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली। मैं आप लोगों से बोलता हूँ, जो भी इंसान आपसे बोलता है एएफएनएस में भर्तियाँ सिफारिश बेस होती हैं, उनसे जाके पूछो क्या आपने कोई ऐसी लड़की देखी है जो सिफारिश बेस पे गई है सीएमएच में एज एन एएफएनएस ऑफिसर। ऑब्वियसली वो क्या कहेगा, नहीं गई। अपने माइंड से ये बात निकाल दो प्रिपरेशन करने से पहले कि सिफारिश चलती है एएफएनएस में। इट इज टोटली मेरिट बेस्ड जॉब। अगर आप डिजर्व करते हो तो आपको मिलती है ये जॉब। अब मेरिट कैसे बनता है? मेरे पास पिछली दफा 47 गर्ल्स सिलेक्ट हुई हैं एफएनएस में, अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें 800 वाली लड़कियां भी शामिल थी सिलेक्ट होने वाले में, और 1082 नंबर 1082 मार्क्स थे, वो लड़की भी रह गई थी। क्योंकि आपके सिर्फ एफएससी के नंबर देख के आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता, बहुत सारी चीजें हैं। योर मार्क्स इन एफएससी, योर टेस्ट सेंटर रियली डिपेंड्स अपॉन योर मेरिट। टेस्ट सेंटर भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वहां पे कितनी लड़कियां अप्लाई कर रही हैं। लाइक रावलपिंडी लाहौर, यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़कियां अप्लाई करती हैं तो सबसे ज्यादा मेरिट होता है। क्वेटा, कम लड़कियां अप्लाई करती हैं तो कम मेरिट होता है। ओके, आपके एफएससी में नंबर जितने ज्यादा होंगे आपकी सिलेक्शन उतनी पुख्ता होगी, उतनी ज्यादा होगी। दूसरी बात, आपका टेस्ट, इनिशियल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आपकी परसेंटेज इंटेलिजेंस टेस्ट में कम है तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपको कॉल नहीं आती इंटरव्यू के लिए। तो अपनी गलतियों को, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए सिफारिश का नाम दे देना, ये गलत है। एएफएनएस सिलेक्शन प्रोसीजर में और भी चीजें आएंगी, छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी, उनको देखते रहना। सिफारिश नहीं है एएफएनएस में, ये टोटली मेरिट बेस्ड जॉब है। आप अच्छी तरीके से एफएससी करो, अच्छे नंबर लो, और अपना टेस्ट अच्छे तरीके से करो, पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छे तरीके से करो, इंशाल्लाह आपको कॉल आएगी। ओके, और ये जो बातें हैं कि सर मेरा दिल नहीं कर रहा अभी अप्लाई करने को, अगर आपका दिल नहीं है तो ना अप्लाई करो, लेकिन इसको प्लीज सिफारिश का नाम नहीं देना।
AFNS में कोई सिफारिश नहीं है, मेरिट पे आपके दाखिले होते हैं, और अगर आपने अपना टेस्ट अच्छा दिया है, आपके FSC में नंबर अच्छे हैं, और देन आपको कॉल आएगी। जब आपको कॉल आएगी, आप इंटरव्यू अच्छा देते हो, मेडिकल में फिट होते हो, तो आपकी सिलेक्शन भी होगी। ये बातें अपने माइंड में रखें। ओके, आज की यही वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी 03066892208 हमारा नंबर है, 03066892208, इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हो क्लासेस की। हमारा जो सेकंड बैच है वो 7 जुलाई से स्टार्ट होगा, फर्स्ट बैच की क्लासेस स्टार्ट है। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।